Hello students, how are you? Fine. Okay, good. I'm also fine. चलो अब next part हम देखेंगे. So chapter कौन सा है? Chapter number 13. Name small charts. Okay. Open your textbook and let's start. Okay. और चलो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे personal phone करके आप पूछ सकते हो. Okay students. So नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. मेक अ ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स. अपने वो अब हमें फोर फ्रेंड्स के हमें ग्रुप बनाने हैं. कट स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट पेपर. द स्ट्रिप शॉल बी ऑफ द सम विड्थ. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है कि स्ट्रिप ऑफ सम विड्थ, जैसे कि हमें एक वेस्ट पेपर लेना है और वो हमें एक इक्वल यानी पौड़ाई बीन स्ट्रिप में सोल में हमें कटिंग करना है. जैसे कि हम अपने हैंड्स होते हैं वो उसके माप के हमें वेस्ट पेपर हमें कटिंग करना है. वेट कटिंग करके हमने हैंड में उसे लेग करना है. जैसे कि नेक्स्ट मेजरिंग द लेग ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विच द पेपर स्ट्रिप. कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट. जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि अपना जो हैंड होते हैं यहाँ पे जो अपने पूरा हैंड है जो उस यहाँ से लेके और यहाँ तक अपने हैंड को अपने वेस्ट पेपर को आपको काउंट यहाँ से लेके मैं आपको कैसे बताऊँ. मेरे हाथ में फोन है जो मैं नहीं दिखा सकती. जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करके अपना पेज यहाँ से पूरा जैसे कि देखो मैं बता रही हूँ यहाँ से पेज और यहाँ पेज है जो यहाँ पे लेकर यहाँ तक मेरा हैंड कितने तक यहाँ तक आ रहा है तो आपको आपको नोट डाउन करना है और यहाँ से पेज को कटिंग करना है. अब ये बुक में नहीं करना है ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वेस्ट पेपर में करना है जो मैं आपको मेरे हाथ में फोन है जो मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए. सो ये इसलिए यहाँ से लेके और यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है मेरा हैंड देखो यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ पे इतना रहता है जो मेरे यहाँ से वो पेज कट करके और वहां मेरा नाम यानी खुद का नाम लिख कर रखना है ओके स्टूडेंट्स. सो इसे हम चार्ट बनाना है. सो अब नेक्स्ट देखेंगे. देखो यहाँ पे रोहन जेकोब एंड गीता ऑल्सो मेजरिंग देयर हैंड्स दे टुक देयर स्ट्रिप एज डाउन. देखो यहाँ पे रोहन जेकोब एंड गीता उन्होंने अपने हैंड को मेजरिंग कर लिया है और उसने उन स्ट्रिप किया थी जो मैंने आपको बताई थी वो इसी तरह अपने पेज पे एक चार्ट बना के उसने पेज पे अपने चिपका दिए जो मैंने वो पेज में नोट डाउन किया था. सो किसका ज्यादा है जेकोब का, उससे कम किसका है गीता का और उससे कम रोहन का. ओके स्टूडेंट्स. सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है. देखो कौन सी है. लोकेट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, जो मैं बुक में बता दिखा रही हूँ. द लेंथ ऑफ जेकोब्स एंड ही हैड इन मोर देन गीताज हैंड. ओके स्टूडेंट्स, जो गीता जो जेकोब के गीता से ज्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, सो हैड में द लेंथ ऑफ गीताज हैंड मोर देन रोहन हैड. ओके, सो गीता के लेंथ रोहन से बड़े है. ओके, सो नेक्स्ट जेकोब इज द लॉन्गेस्ट हैंड. सो सबसे बड़ा जेकोब का है एंड रोहन इज द शॉर्टेस्ट हैंड, जो रोहन के छोटे हैंड से. ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखेंगे. चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल. जो स्कूल में आ रहे हो आप, स्कूल में तो आते हो ना. सो आप कोई लोग ट्रैक्टर में आते हैं, कोई बस में, कोई कार में, कोई बाइसिकल में, कोई व्हीकल में, जैसे कोई स्कूटर में, बाइसिकल में, किसी अन्य तरीके से आप कहीं किसी में भी आओ या पैदल आते हो कोई किसी भी की तरह. ओके, सो हम यहाँ पे जो टेबल दिया है लोकेट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल, जो यहाँ पे हमें टेबल है वो हमें फिलअप करना है इन पिक्चर को देख के. ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने टेबल तैयार कर लिया है और आपको दिखा रही हूँ. सो आपको भी यहाँ पे जो मैंने टेबल किया तैयार वो आपको टेबल तैयार करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे वे ऑफ कमिंग, जैसे कि कितने व्हीकल है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, कितने ट्रैक्टर कितने हैं, 3. बस कितनी है 9. कार 4. बाइसिकल 5. इसी तरह. ओके, सो उसके उसे हम
डिफरेंट तरीके से भी हम बता सकते हैं। देखो मैंने ये भी चार्ट तैयार किया है जो आपको अपनी नोटबुक में तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे वे टू कमिंग कितने स्टूडेंट्स है, सो कितने व्हीकल, यानी यहाँ पे चार्ट तैयार किया है। सो ट्रैक्टर में कितने लोग है, 3, सो 1, 2, 3। नेक्स्ट बस 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जैसे कि कार 4, 1, 2, 3, 4। ये चार्ट मैंने रिवेलिंग चेयर सुधी मैंने तक मैंने तैयार किया है, जो ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। सो अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में कितने लोग आ रहे हैं, 3। वी राइट 3 इन द टेबल, वी ऑल्सो ड्रॉ द फेस ऑफ टॉप ऑफ ट्रैक्टर इन द चार्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो चार्ट की होता है उसी तरह यहाँ पे भी कितने लोग थे, 3 लोग है, जो यहाँ पे 3 उसे यहाँ पे इन टेबल पे बताना है, ट्रैक्टर पे 1, 2, 3 फेस बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर ने आपको दिखाया, जो बस है, जो बस के 9 स्माइली आपको आपके यहाँ पे करनी है। सो बाइसिकल में कितने लोग है, देखो यहाँ पे बाइसिकल में कितने हैं, 5 है, सो बाइसिकल में 5। ओके सो नेक्स्ट ड्रॉ फेस इन द चार्ट, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस बाइसिकल एक्सेट्रा, ये सब मैंने आपको बताया है। सो आपको ये आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो वो पिक्चर देख के आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप करनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग, जो वॉकिंग में कितने ज्यादा, वो ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिसने वहां पे कितने लोग है वॉकिंग में, 11। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इन मोर देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल, बाइसिकल से ज्यादा वॉकिंग में से आते। द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय ऑस्कार्स एंड रिवॉल्विंग, जैसे कि उससे कम आते, जैसे कि यहाँ पे देखो बाय ऑस्कार्स एंड कार्ड एंड रिवॉल्विंग चेन में 1-1 है, जो सो कम उसमें आते स्कूल में। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे सो इट्स नॉट दिस स्मार्ट चार्ट्स, ये स्मार्ट चार्ट्स है ना, ये सो नो, यस ओके, मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद आ गया मुझे पता है। बाय सिंपल लुकिंग एट इट वी कैन नाउ सो मच लेट यूज मेक मोर सच चार्ट्स, उसी तरह हम अलग डिफरेंट तरीके से हम चार्ट भी बना सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रैक्टिस टाइम, सो प्रैक्टिस टाइम है, देखो यहाँ पे क्या है, मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग अराउंड यू, तो अपने आसपास में जो भी चीज है उसके उसे आप अपना स्मार्ट चार्ट आपको रेडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, यू लाइक, जैसे कि विच बर्ड हैज द मोस्ट कलर है, हम यहाँ पे हमें बर्ड्स के कलर को हमें काउंटिंग करना है, जो किसके ज्यादा कलर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट विच इज द एनिमल्स विच इज लाइक मोस्ट द पेट, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सो क्रो स्पैरो पैरोट पीकॉक, जो मैंने यहाँ पे मुझे भी पसंद है आपको पसंद है, जो मैंने कलरिंग भी फिलअप किया है, और यहाँ पे टेबल भी मैंने ड्रॉ करके रखा है, जो आपको यहाँ पे टेबल भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, बर्ड नंबर ऑफ कलर्स, सो मैं यहाँ पे क्या बताया है, देखो कि कलर बर्ड सेज द मोस्ट कलर है। ओके यहाँ पे हमें कलर के हमें यहाँ पे काउंटिंग करना है, सो मैंने यहाँ पे बताया है कि क्रो पैरट के कितने कलर होते हैं, 2, पैरट के 3 एंड पीकॉक के 9 कलर आते हैं। ओके स्टूडेंट, सॉरी 8 कलर है एंड पिगन के 3। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने ये चार्ट तैयार किया है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके आपको ये लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, जो उसकी ब्लैंक्स है वो मैं आपको करवा रही हूँ, विच बर्ड इज द मोस्ट कलर है, सो कौन क्या बताया यहाँ पे कि ऐसा कौन सा जो कलर है जो हमें सबको पसंद है, और यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, जो मोस्ट कौन क्या बड़ा है, मीन्स के
कौन सा बर्ड्स है जो उसे कलर ज्यादा है, जैसे कि पीको। सो नेक्स्ट, विच इज द एनिमल्स विच इज लाइक मोस्ट एज अ पेट, जो कौन सा एनिमल है जो हमें यहाँ पे बहुत ही पसंद है और उसे हमें पालना भी पसंद करते हैं, बताओ क्या आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे रेबिट, हॉर्स, डॉग, कैट, काउ, जैसे कि पीपल हु लाइक द एनिमल्स एज अ पेट, जैसे कि यहाँ पे रेबिट को भी पसंद करते हैं, हॉर्स, डॉग, कैट सभी को पसंद करते हैं, फिर भी डॉग इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ पीपल एज अ पेट, यहाँ पे लेकिन डॉग ही ऐसा है जो सब लोग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स यू डू नॉट लाइक, यहाँ पे यो बता डिसलाइक, जो आप वो वेजिटेबल के नाम लिखने जो आपको पसंद नहीं है और आप फ्रेंड्स को भी, जो यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है। सो मैंने टेबल कंप्लीट करके रखा है, फिर भी आपको जो भी पसंद है वो आप लिख सकते हो। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे डिसलाइक ब्रिंजल, बेटर गार्ड, लेडीज फिंगर, कैंडिड। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो उसकी ब्लैंक्स भी है, जो मैंने मुझे पसंद नहीं उसकी मैंने ब्लैंक्स भी बनाई। द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल्स इज बेटर गार्ड, ओके। द वेजिटेबल डिसलाइक बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन ईस्टर बेंस, द चार्ट्स फ्रॉम द टेबल्स कैन बी ड्रॉ एज बिलो, जो इसका चार्ट भी है, जो जिसके जो पसंद नहीं है उसके हमें यहाँ पे चार्ट भी तैयार किया है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, एंड कितने स्टूडेंट को ये पसंद नहीं है, ओके। सो ये यहाँ पे डिसलाइक वेजिटेबल डिसलाइक जो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ किए गए जो पसंद नहीं है, जितने जैसे कि ब्रिंजल के 5, तो यहाँ पे मैंने 5 फेस ड्रॉ किए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है। सो आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो। देखो मैंने ये आपको अपनी नोटबुक में अपने ड्रॉ करके आप सब कुछ लिखना है। सो अब आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।